सैम करण को लेकर के महेंद्र सिंह धोनी का आया बड़ा बयान। सैम करण को मिनी ऑक्शन में जरूर टारगेट करेगी चेन्नई सुपर किंग्स। फैंस को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 को लेकर के अलग अलग अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें इस बार मिनी ऑक्शन का आयोजन 23 दिसंबर को कोची में किया जाएगा। दूसरी तरफ बीसीसीआई ने सभी टीमों को 15 नवंबर की डेडलाइन दे दी है। 15 नवंबर तक सभी टीमों को रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन आईपीएल 2022 में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। टीम की ना तो गेंदबाजी चली थी और ना ही बल्लेबाजी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्ले ऑफ में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स इस बार मिनी ऑक्शन में अपने एक पुराने दिग्गज खिलाड़ी को खरीदना चाहेगी। आपको बता दें हम बात कर रहे हैं सैम करण की। सैम करण चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। उनका प्रदर्शन चेन्नई के लिए काफी शानदार रहा है। सैम करण एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी से तो मैच जिता सकते हैं, साथ में वो बल्लेबाजी करने की भी क्षमता रखते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी सैम करण ने शानदार प्रदर्शन किया है। सैम करण आईपीएल 2022 में नहीं खेले थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। अगर वो आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में अपना नाम देते हैं तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सैम करण को दोबारा हासिल करना चाहेगी। आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के जरिए सैम करण को दोबारा खरीदने की बात कही है। आपको क्या लगता है, क्या सैम करण को चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।